आज हम बात करेंगे नेल की, जो सबसे निगलेक्टेड पार्ट है। लेडीज़ तो थोड़ा भी इसका ध्यान रखते हैं, मेल सबसे कम ध्यान रखते हैं। टाइम टू टाइम नाखून काटने के अलावा नेल का ध्यान नहीं रखते। तो नेल क्या चीज़ है? नेल का 6 पार्ट होता है। एक जो रूट होता है पीछे जो होता है, जो दिखता नहीं है। फिर नेल बेड होती है, वो भी दिखती नहीं है। जो ये ऊपर का बोलते हैं नेल प्लेट, और इसके नीचे होता है नेल बेड होता है। फिर हाइपोनिकियम होता है, पेरिनिकियम होता है। ये का सराउंडिंग जो पार्ट बोलते हैं, हाइपोनिकियम, पेरिनिकियम, नेल बेड, नेल प्लेट, रूट, तो ये सब नेल होता है। और सबसे विजिबल एक ही पार्ट होता है जो हम बोलते हैं नेल प्लेट। और जो हम जो नाखून जो काटते हैं वो इसी का जो एक्सटेंशन, उसको ध्यान रखते हैं। परंतु आपको पता है कि नेल जो बनता है 90% प्रोटीन से बनता है। इसीलिए अगर हेल्दी नेल रखना है तो आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। वेजिटेरियन जो डाइट होती है इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। तो स्प्राउट होता है, पनीर होता है, वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, वो आपको लेना चाहिए। नॉन वेज में तो काफ़ी ऑप्शन है। तो प्रोटीन अगर जो बॉइल्ड एग्स होता है, इसमें जो आउटर पार्ट होता है इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। कोलेजन रिच डाइट रहना चाहिए, ताकि नेल में जो कोलेजन फाइबर होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ अगर आपका नेल वीक है तो इसमें फंगल इन्फेक्शन बार बार होना, पेरोनिकिया और सराउंडिंग जो नेल फूल जाते हैं ना, तो इसमें ये इन्फेक्शन होता है, थिकनेस, इडीमा होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन रहता है। इससे क्या होता है, बार बार नेल का डिसकलरेशन होता है, पेन होता है, पस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये बाल का जो क्यूटिकल होता है, जो यहाँ जो होता है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल भी टाइमली आपको आइदर कोकोनट ऑयल भी चलता है इसमें, ओलिव ऑयल जो होता है, जोजोबा ऑयल होता है, आलमंड ऑयल है, इसे मसाज करना वीक में 1-2 बार अच्छी तरह से। और लेडीज़ में खास भी जब आप नेल पॉलिश रिमूव होता है ना, इसमें एसीटोन ज़्यादा आता है, वो थोड़ा हर्ट्स होता है, तो आपको वो थोड़ा जेंटली यूज़ करना। जब भी नेल पॉलिश से वो रिमूव करें, बाद में थोड़ा मॉइस्चराइजिंग लगाना, ताकि वो रिपेयरिंग होता है। और काफ़ी नेल जो आता है ना, इसमें इंटेंस मॉइस्चराइजिंग आता है, नेल लिकर आता है, तो आप वो लगाने से क्या नेल में मॉइस्चराइजिंग बरकरार रहेगा, ताकि ड्राई ना हो जाए। और जिसमें लेडीज़ में जो काफ़ी जो काम करते हैं, बर्तन कपड़े में डिटर्जेंट में कॉन्टेक्ट में आता, कोई मेल जो होता है ऑक्यूपेशन होता है, तो बार बार वो नाखून में कोई सीमेंट का काम करता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती कि यहाँ नेल बार बार कॉन्टेक्ट में आता, तो ये डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। नेल रिजिस बनती है, इनग्रोइंग नेल बोलते हैं, हाथ में और पैर में इनग्रोइंग नेल, जो टॉ नेल जो होता है इससे पेन बहुत होता है। लोग शूज़ नहीं पहन सकते क्योंकि शूज़ पहनने से और दर्द है। तो इनग्रोइंग टॉ नेल क्या होता है, वैसे नेल हमारा ऐसा होता है। इनग्रोइंग में क्या होता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नेल थोड़ा वीक हो जाता है, इसे टर्न हो जाए, ऐसे ही बन जाता है, तो फिर वो सराउंडिंग स्किन में अंदर वो नाखून चला जाता है, तो धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन सूजन से नाखून और अंदर चला जाता है, तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन बोलते हैं। वैसे हमारा इनग्रोइंग हेयर कैसा होता है, हेयर अगर अंदर चला जाता है तो बार बार वहाँ फुंसी होना, तो वैसे इनग्रोइंग टोन नेल होता है, अंदर नेल चले जाने से वहाँ इन्फेक्शन होता है, सूजन बन जाता है। तो इसमें सर्जिकल रिमूव से लेके इसमें CO2 लेज़र से, फिनोलाइजेशन से वो नेल निकालते हैं, रेडियो कॉटरी से नेल वो निकालते हैं साइड में से, और इसे सॉल्यूशन देता है। क्योंकि इनग्रोइंग टो नेल जो होता है सबसे पेनफुल, तकलीफ देने वाली कंडीशन है। अगर आपने टाइम टू टाइम उसका सॉल्यूशन नहीं दिया तो परमानेंट नेल में डिसफिगरमेंट आने का चांसेस है। लोग हमारे पास आते हैं लास्ट स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज में के विदाउट सर्जरी सिंपल नेल पेयरिंग और थोड़ी दवाई एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी फंगल देने से ठीक हो जाते। तो जब तक डर्मेटोलॉजिस्ट पास जब पहुँचते तब तक वो जो ड्यूरेशन होता है निकल जाता है, और फिर सर्जिकल का वो आता है। नेल में जो इनग्रोइंग टो नेल में सर्जरी के बाद भी 2-3 साल तक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये नेल पूरा 2-3 बार पूरा चेंज जब तक नहीं हो जाता तब तक वो रिकरेशन नहीं रहता। लोग क्या करते, थोड़ा एक सर्जरी किया, थोड़ा 15-20-2 महीना दवाई किया, फिर छोड़ देते, तो जिस फंगस से वो हुआ तो वो फंगस वापस आ जाएगा। तो इनग्रोइंग टो नेल के बाद भी 6 महीना साल भर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा टू प्रिवेंट रिकर, अदरवाइज पीछे पीछे वापस आएगा। तो आपको डाइट अच्छा रखना चाहिए, आपका नेल का केयर अच्छा लेना चाहिए। जैसे बाल में केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे नेल में भी केराटिन ट्रीटमेंट होता है। इसका जो मैनीक्योर पेडीक्योर आपको रेगुलर करना चाहिए। लोग क्या करते हैं इसमें कभी कभी करते हैं, बाहर जब घूमने जाते हैं तब करवाते हैं, परंतु आपको वंस ए मंथ ये करना ज़रूरी। तो इसका जो मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है जो होता है, इसका जो सीरम होता है, इसका नेल लिकर होता है, आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। डाइट तो आपको, डाइट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, चाहे कितना भी यहाँ ध्यान रखो, परंतु आपने डाइट में ध्यान नहीं रखा तो माल नरिश से जो होता है आयरन डेफिशिएंसी है, कोइलोनिकिया बोलते हैं, कि नेल ऐसा सूप जैसा बन जाता है।
तो इसमें लाइनों बनना, ब्लैक लाइनों बनना, मेलिकोंड्रिकिया बोलते हैं, तो काफ़ी ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि वो लापरवाही से होती है, डेफिशिएंसी होती है, ट्रोमा से होती है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो और उसको ट्रीट भी कर सकते हो। आशा रखता हूँ कि आपको नेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिला वो अच्छा लगा। और भी कोई क्वेरी कंसर्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।